विकास भवन सभागार में आर्थिक गणना के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया गया, जिसमें भारत सरकार एनएसएसओ तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय से सीएससी के आपसी सामंजस्य से प्रशिक्षण कार्यशाला सीएससी वेल्स को दिया गया। आर्थिक गणना हर 5 साल पर भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, साथ ही यह आर्थिक गणना है जो डिजिटल इंडिया सीएससी ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेपरलेस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी ट्रेनिंग विकास भवन सभागार गोरखपुर में सीएससी वेल्स को दिया गया है। सीवियरली जो कि अपने को आर्थिक गणना के पोर्टल पर सुपरवाइजर किया है, 120 सुपरवाइजर से ज़्यादा लोगों ने प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत अजय प्रकाश चौबे स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा किया गया तथा जिला अर्थ एवं संख्या कार्यालय से बीच बीच में आर्थिक गणना का टेक्निकल पार्ट बताया गया। मोबाइल एप्लीकेशन पर डाटा अपलोड करने के लिए जिला प्रबंधक विकास कुमार द्वारा जानकारी दी गई। इस दौरान अपर सांख्यिकी अधिकारी विनोद मणि त्रिपाठी, संख्या अधिकारी विजय जायसवाल, अपर संख्या अधिकारी राजेंद्र यादव, अपर संख्या अधिकारी हरिशंकर सिंह, सुषमा श्रीवास्तव, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी आर के वर्मा, अजय प्रकाश चौबे, जिला प्रबंधक सीएससी विकास कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विकास कुमार और आर के वर्मा ने बताया, विकास कुमार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड गोरखपुर। और विकास भवन सभागार में आर्थिक गणना हेतु जो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो हमारे सीएससी वीएलई हैं एज ए सुपरवाइजर, वो रजिस्टर्ड किए हैं आर्थिक गणना में, तो उनकी आज जो है विकास भवन सभागार में ट्रेनिंग हो रही है। आर्थिक गणना हर 5 साल पर होती है और ये 7वीं आर्थिक गणना है जो पेपरलेस हो रही है। अभी तक जितनी भी आर्थिक गणनाएं हुई हैं भारत सरकार के द्वारा, वह जो है मैनुअल सिस्टम पे आधारित थी। पहली बार जो है डिजिटल इंडिया के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशंस पेपरलेस ये जो है आर्थिक गणना की जा रही है। आज उसी की ट्रेनिंग जो है हमारे सीएससी वीएलई जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर हैं और अर्बन एरिया में भी हैं, तो हम उनके द्वारा जो है सुपरवाइज एज ए वीएलई जो है उसमें सुपरवाइज़र नियुक्त हुआ है।
अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और उसका ऑनलाइन असेसमेंट भी हुआ है और एग्ज़ाम भी हुआ है, जिसमें जो पास वीएलई सुपरवाइज़र हो गए हैं आज उनकी जो है ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो पीपीटी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, दूसरा मोबाइल एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करना है, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करना है, कैसे डेटा अपलोड करना है, किन लोगों का आर्थिक गणना करना है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इन सभी के बारे में विधिवत जानकारी जो है सीएससी के माध्यम से तथा भारत सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, जिला संख्या कार्यालय और एनएसएसओ डिपार्टमेंट, ये सभी लोग मिलजुल करके आपस में ट्रेनिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं। थैंक यू। सीनियर स्टेटिकल ऑफिसर भारत सरकार, ये सातवीं आर्थिक गणना भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू होने वाली है। इसका आज प्रशिक्षण गोरखपुर में विकास भवन में हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो भी क्रियाकलाप ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जैसे क्रियाकलाप हैं हमको दिख जाते हैं, तो गाँव में शहरों में हर परिवार में इन्यूमरेटर जाएंगे और उनसे उनकी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पूछेंगे, उसकी पूरी गणना होगी और उनका क्या योगदान देश के विकास में है उसका आकलन किया जाएगा। उसी निमित्त आज ये बैठक हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है।